हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूट्यूब का अल्गोरिदम अब चेंज हो गया है 2024 के लिए। अब जो यूट्यूब का अल्गोरिदम है वो नए सिरे से काम करेगा। इसमें कई लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है और कई लोगों को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन एक आम क्रिएटर, एक आम यूट्यूब पर काम करने वाले जो भी हमारे क्रिएटर हैं, जो यूट्यूब पर अर्निंग करते हैं या यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, चैनल चलाते हैं, उनको इस सिचुएशन में क्या करना है। क्योंकि अब जब यूट्यूब का अल्गोरिदम ही बदल गया है और वो पुराने अल्गोरिदम के हिसाब से काम करते थे, तो अब जब नया अल्गोरिदम आ गया है यूट्यूब पर, तो उन्हें अब क्या करना है, उनके लिए क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए ताकि जो नया अल्गोरिदम है वो उनके चैनल पर इफेक्ट ना डाले। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि छजलानी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। तो दोस्तों, YouTube का अल्गोरिदम 2024 के लिए चेंज हो गया और ये साल दर साल चेंज होता रहता है। पहले भी हुआ था और आगे भी होगा ही। तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पर, आप उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना है कि हमारा चैनल जो है वो नए अल्गोरिदम के हिसाब से इफ़ेक्ट ना हो और हमें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और हमारी जो अर्निंग या जो चैनल का जो ग्रो है वो उसी हिसाब से चलता रहे। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है, अगर आपको अपना चैनल बचा कर रखना है तो तभी आपका चैनल जिस तरह से अभी ग्रो कर रहा है वो करता रहेगा, कोई परेशानी उसमें नहीं होगी। आपको पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं और नई नई चीज़ें ट्राई करना है, तो आपको नई चीज़ें ट्राई नहीं करनी है। क्योंकि जब आप नई चीज़ें ट्राई करेंगे तो आपके चैनल पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और जब चैनल पर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो व्यूज़ कम आएंगे, व्यूज़ कम आएंगे तो यूट्यूब का जो नया अल्गोरिदम है उसको लगेगा कि आपका कंटेंट में अब दम नहीं है, तो वो आपके कंटेंट को प्रमोट करना बंद कर देगा। और जब आपके कंटेंट को प्रमोट करना कम कर देगा तो जो भी आपके चैनल पे जो ऑडियंस थी वो भी धीरे धीरे हटने लग जाएगी और धीरे धीरे आपका चैनल बर्बाद हो जाएगा। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, चेंज हुआ है YouTube का अल्गोरिदम, उन्होंने अपने सिस्टम को अपडेट किया है, उन्होंने अपने आप को सुधारा है, उन्होंने अपने अंदर सुधार किया है, आपको इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से वीडियोस बना रहे थे, उसी तरह से आप वीडियोस बनाइए। एक दो महीने की बात है, व्यूज़ थोड़े डाउन ज़रूर होंगे, लेकिन एक दो महीने के बाद जब YouTube का अल्गोरिदम जो है वो प्रॉपर तरीके से जब काम करने लग जाएगा तो आपके चैनल पर व्यू आने लग जाएंगे और जिस तरह से आपका चैनल अभी काम कर रहा है उसी तरह से चैनल आपका आगे भी चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने चैनल के कंटेंट को चेंज नहीं करना। क्योंकि जब व्यूज़ कम हो रहे हैं ना, इस टाइम जब अल्गोरिदम चेंज हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, अपना ना कंटेंट चेंज कर देते हैं, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो वही आपको नहीं करना। क्योंकि जब आप नया कंटेंट या नई चीज़ें ट्राई करेंगे तो जो आपकी ऑडियंस है उस पर आपको वॉच टाइम नहीं मिलेगा और जब आपके चैनल पे वॉच टाइम नहीं आएगा, आपके वीडियोस पे वॉच टाइम नहीं आएगा, धीरे धीरे आपका चैनल जो है वो बर्बाद हो जाएगा और वो फ्रीज भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी की सिचुएशन में आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपका चैनल जिस भी कैटेगरी में आता है और जो भी कंटेंट आप बना रहे हैं वही आपको बनाते रहना है। क्योंकि जब आप चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करेंगे, तो जो यूट्यूब का जो नया अल्गोरिदम है वो आपके लिए परेशानी भी ला सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।